ये देश का ऐसा पहला डिफेंस एक्सपो है जिसमें केवल भारतीय कंपनियां ही भाग ले रही हैं, केवल मेड इन इंडिया रक्षा उपकरण ही है। प्रतिरक्षा सामग्री निर्माण रे निजरो स्वतंत्र स्थान सृष्टि करिछि भारत। भारत रे वृद्धि पाउथिबा शक्ति सामर्थ्य विश्व पय आनिछि आशा। पुरातन कालरु भारतर विकास रे प्रमुख भूमिका तुलाइछि शिक्षा। शिक्षा व्यवस्था को भिन्न स्तर को नेबारे सहायक हेबो 5G। अक्टोबर 19 एवं 20 दुई दिनिया गुजरात गस्तरे अछंती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रथम दिन रे गांधीनगर ठारे डिफेंस एक्सपो 2022 को उद्घाटन करिबा सह दिशा रे एको नुवा एयरबेस निर्माण पई भित्ति प्रस्तर स्थापन करिछंती। ଏହି ଏୟାରବେସ୍ଟି ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ସୀମା ନିକଟରେ ଅବସ୍ଥିତ, ଯାହା ଦେଶର ପ୍ରତିରକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ତୁଲାଇବ। ମେକ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଏବଂ ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଭାରତ ଯୋଜନାରେ ଭାରତ ପ୍ରତିରକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ହେଉଛି। ପ୍ରତିରକ୍ଷା ସାମଗ୍ରୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିବା ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ସହ ଭାରତ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରି ନିଜ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ ହାସଲ କରିପାରିଛି ବୋଲି କହିଥିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ରକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାରତ ଇଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଇନୋଭେସନ और इम्प्लीमेंटेशन के मंत्र पर आगे बढ़ रहा है। आज से 8 साल पहले तक भारत की पहचान दुनिया के सबसे बड़े डिफेंस इंपोर्टर के रूप में होती थी। हम दुनिया भर से माल खरीदते थे, लाते थे, पैसे देते रहते थे। लेकिन न्यू इंडिया ने इंटेंट दिखाया, इच्छा शक्ति दिखाई और मेक इन इंडिया आज रक्षा क्षेत्र की सक्सेस स्टोरी बन रहा है। एही प्रतिरक्षा प्रदर्शनी का थीम रही पाथ टू प्राइड। आयोजित सभा रे प्रधानमंत्री उपस्थित थिले प्रतिरक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। भारत किपरी प्रतिरक्षा सामग्री निर्माण रे प्रगति हासिल करिछि तार विवरणी रखिथिले प्रतिरक्षा मंत्री। मुझे इस अगस्त गैदरिंग को यह बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि इस एग्जीबिशन में 1300 से अधिक इंडियन एग्जीबिटर्स अपनी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और प्रोडक्ट्स का प्रदर्शन भी कर रहे हैं। यहाँ पर गांधीनगर रो अदालत रे मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस रो उद्घाटन करिथिले प्रधानमंत्री। एहि मिशन अधीन रे 50,000 नुआ क्लासरूम एवं 1,00,000 रु अधिक स्मार्ट क्लासरूम रो विकास करा जीव बोली कहिथिले प्रधानमंत्री। निकटरे भारतरे आरंभ करा जायतिबा 5G किपरी शिक्षा क्षेत्ररे वैप्लविक परिवर्तन आणिबो से बाबदरे प्रकाश करिथिले। एही अवसररे एक स्मार्ट क्लासरूम रे पिलामानंक सह बसी कथाबार्ता करिथिले प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री को पाखरे पाई बेस खुशी व्यक्त करिथिले छात्रछात्री। इन स्कूलों में आधुनिक डिजिटल और फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर तो होगा ही, ये बच्चों के जीवन उनकी शिक्षा में व्यापक बदलाव का भी अभियान है। यहां बच्चा को सामर्थ्य को बढ़ाने के लिए हर पहलू हर पक्ष पर काम किया जाएगा। यानी विद्यार्थी की ताकत क्या है, सुधार की गुंजाइश क्या है, इस पर फोकस किया जाएगा। गुजरात रो जूनागढ़ रे मध्य अनेक विकासमूलक प्रकल्प रो शुभारंभ करिछंती प्रधानमंत्री। राजकोट रे इंडिया अर्बन हाउसिंग कॉन्क्लेव को उद्घाटन करिबा सह आउ किछि गुरुत्वपूर्ण प्रकल्पर शुभारंभ एवं भित्तिप्रस्तर स्थापन करिछंती। सेहिपरि अक्टोबर 20 रे मध्य गुजरात रो विभिन्न स्थान रे प्रधानमंत्री को द्वारा अनेक प्रकल्प उद्घाटन रो कार्यक्रम रहिछि। ब्यूरो रिपोर्ट, अर्गस न्यूज़।